तो चलते पहले न्यूज की तरफ, तो बात करेंगे एडू मंत्रा करके एक यूट्यूब चैनल है, तो उनके चैनल पे 1.36 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है। तो उनका चैनल अचानक से डीमोनेटाइज हो गया था, तो उसी को लेके उनने यूट्यूब चैनल पर अपने वीडियो भी अपलोड किया था कि मेरा चैनल पता नहीं कैसे बिना बताए रीजन के चैनल डीमोनेटाइज हो गया। फिर उन्होंने ट्वीट भी किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे, काफी लोगों ने रीट्वीट कर करके उनका चैनल अभी जो है वापिस से नॉर्मल हो गया और वो वीडियो भी आ चुका है। तो आपको दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करेंगे बाबा का ढाबा के बारे में। जो ढाबा चलाते थे उनका नाम था कांता प्रसाद, तो वो बता रहे कि अपने न्यूज़ तक करके यूट्यूब चैनल जिसमें बाबा का न्यूज़ आया, तो उसमें ऐसा बता रहे कि कांता प्रसाद की उनको 14 नवंबर को 3 लोग आए थे उनकी दुकान पर चाय पीने के लिए। उसमें से एक ने बोला था कि वो गौरव का भाई बोल रहा है और उनको मारने की धमकियां दी गई थी, पुलिस कंप्लेंट करके आपने अच्छा नहीं किया। फिर बाबा ने ऐसा बताया 8 दिसंबर को उनको एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसमें बताया जा रहा है कि बाबा का दुकान चला देगा और उनको मारने की धमकियां दी गई थी। तो बाबा का शक जाता है कि गौरव के ऊपर। तो ये इसी को लेके पूरा वीडियो है, अगर आप लोगों को पूरा वीडियो देखना रहेगा तो लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हो। तो मैं आपको उस वाला पार्ट दिखा दूं जिसमें बाबा ने बोला था कि मुझे गौरव के ऊपर शक है, आप लोग भी देखिए। लड़का कहा था मैं गौरव का भाई हूँ, झटका दूँ कुछ मिलेगा, बोला ठीक है, बोला बाबा तूने अच्छा काम नहीं किया, बोला भाई क्या हुआ, कहा था मैं तुम्हें चटका दूँ, मैं गौरव का भाई हूँ, ये हमसे बोला था। तो क्या लगता है कि गौरव इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व है, गौरव ही करा रहा है? नहीं, आखिरकार में गौरव नहीं करवा गए तो इस सिस्टम की कौन मिलेगा, हमने कभी दुश्मना तो है नहीं, आज तक किसी सिस्टम में कोई झगड़ा नहीं हुआ। कोई सबूत नहीं है लेकिन आपको शक है इस बात का कि? हाँ जी, हमें शक, यही बात में शक है कि भाई गौरव के तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आएगा तो कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताते रहूंगा। तो अभी चलते नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वही बात करेंगे हर्ष बेनीवाल के बारे में। तो हर्ष बेनीवाल का भी न्यू वीडियो का अपडेट आ गया है, अभी तक पोस्टर वगैरह डेट वगैरह अनाउंस नहीं किया लेकिन वो बता रहे कि एडिटिंग प्रोसेस में ही है, तो आप लोग भी हर्ष बेनीवाल का स्टोरी देखो। गाइस नई वीडियो पे काम चल रहा है और वीडियो आने वाली है, मतलब एडिटिंग स्टार्ट हो गई है, स्टार्ट क्या थोड़ी मतलब बढ़ गई है, एडिटिंग चल रही है अच्छी खासी और खत्म हो जाएगी एक या दो दिन में मैक्स, तो बताता हूँ। और अभी किस टॉपिक पे आपको नहीं पता होगा और देखो बहुत मजा आएगा, बहुत फनी वीडियो है, बाकी करता है लगे हुए हैं, जब कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको दूंगा। बाकी थोड़ी तबीयत दिख रही है, ठंड आ चुकी है, अपना ख्याल रखो, मैंने तो नहीं रखा तो थोड़ा सा जुकाम हो रखा है, बाकी आप लोग अपना ख्याल। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करेंगे एलविश यादव के बारे में। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एलविश यादव जो है रोस्ट वीडियो लाने वाले, तो उसी को लेके अपडेट है, एलविश यादव का रोस्ट वीडियो आने वाला है आज, तो 8:30 बजे तक जो है एलविश यादव का वीडियो आ जाएगा। तो मैं आपको एलविश यादव का स्टोरी दिखा दूं, आप लोग भी देखिए। तो भाई अपना रोस्ट आ रहा है कल रात 8:30 बजे, प्रॉपर रोस्ट है, ठीक है, प्रॉपर रोस्ट है, बढ़िया सब है उसमें, सब बहुत सारे लोग है भाई रोस्ट में, कई आतंकवादी बालक भी है, ठीक है, उनका भी करेंगे अपने रोस्ट वोस्ट, बढ़िया सिस्टम है। और तो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करेंगे हनी सिंह के बारे में। तो हनी सिंह ने अपने स्टोरी में ये डाला, क्रिसमस सरप्राइज अंडर प्रोसेस, तो उनका जो आने वाला सॉन्ग होगा शायद से वो क्रिसमस तक आ जाएगा, तो कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताते रहूंगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करेंगे मेक अ जोक ऑफ के बारे में। तो आप लोग इसमें से काफी लोग जानते भी होंगे, इनके अभी चैनल पर रिसेंटली 10 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए और उन्होंने कल अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने बताया कि जल्दी आने वाले एक न्यू वीडियो के साथ में, कमिंग सून। तो मुझे ऐसा लगता है ये वाला थीम देख के लगता है कौन बनेगा करोड़पति का जो थीम लग रहा है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करेंगे कैरी मिनाटी के बारे में। तो कैरी मिनाटी जो अभी बॉलीवुड में डेब्यू रोल प्ले करने वाले अजय देवगन अमिताभ बच्चन के साथ में मेदे का शूट होने वाला है, तो वो जो आने वाला प्रोजेक्ट है वो 2022 में आएगा। कैरी मिनाटी जो खुद का कैरेक्टर प्ले करने वाले आने वाले डेब्यू फिल्म में, तो उनको और भी फिल्म की तरफ से ऑफर आया था लेकिन उनने उसको साइन नहीं किया क्योंकि उनको कैरेक्टर प्ले करने नहीं मिल रहा था, ये वाली मूवी में उनका खुद का कैरेक्टर रहेगा और ये बात कैरी मिनाटी के मैनेजर ने भी कंफर्म किया। तो अभी चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करेंगे आमिर सिद्दीकी के बारे में। तो आमिर सिद्दीकी काफ़ी टाइम से अपने सोशल मीडिया पर इनएक्टिव है, उसी के लिए वो कल अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाले कि वो अभी से एक्टिव रहेंगे, जो भी रहेगा अभी से पोस्ट वगैरह करने वाले। तो अभी चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करेंगे डिवाइन के बारे में। तो डिवाइन ने जो अपना न्यू कार ले लिया रेंज रोवर, तो उनने उसी को लेकर रील वीडियो भी डाला और अपने स्टोरी में ये लिखा है मेहनत का है अब तो पहला राउंड है। तो अभी चलते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वही बात करें निशु तिवारी ब्लॉग्स के बारे में। तो निशु तिवारी ब्लॉग्स ने अपने चैनल पर एक ब्लॉग अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि जब हम चाय पी रहे तो कुछ पुलिस वाले और हमको बोल रहे थे कि मास्क नहीं पहना आपका चालान कटेगा, तो उनने ऐसा बोला कि जब हम चाय पियेंगे तो मास्क कैसा पहनेंगे मुंह पे, उसी को लेकर पूरा ब्लॉग है, अगर आप लोग को देखना रहेगा तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर वहां पे चेकआउट कर सकते हो।
तो भी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज कर, वही बात करेंगे मिथपैट के बारे में। तो मिथपैट का टोटल वीडियोस का व्यू हो गया 1 बिलियन व्यूज, तो यार कांग्रेचुलेशन टू मिथपैट। सो आई होप गाइस आप लोग को अच्छा वीडियो पसंद आ रहेगा, तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और आप लोग ऐसी डेली सोशल मीडिया से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो इसी मिलते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।